शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है एक नाविक ने ज्ञानी पंडित को राह दिखाई। एक पंडित था, बहुत अच्छी भागवत आदि की कथाएं करता था, बहुत सुंदर सुंदर उनके ऊपर प्रवचन करता था, लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, उनके साथ विचार विमर्श करते थे। एक बार उस राज्य के मंत्री ने उस पंडित को अपने पास बुलाया। गांव से राज्य में जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। नदी पार करके जब पंडित जी मंत्री के पास पहुंचे तो मंत्री ने कहा कि आपके प्रवचनों की बहुत प्रशंसा सुनी है, क्या आप हमारे परिजनों को यहाँ आकर भागवत कथाएं प्रवचन आदि सुना सकते हो कुछ दिन के लिए? तो पंडित जी बड़े खुश हो गए और तुरंत हामी भर दी। और दूसरे दिन से वे मंत्री के घर जाने लगे। दो तीन दिन गए, बीच में नदी में नाव में जाते जाते उनको वहां के नदी में मगरमच्छ, जिनको घड़ियाल कहते हैं, उसने पंडित जी को कहा कि आप रोज कथा सुनाने जाते हो, मुझे कथा सुनाओ, मुझे सुनाओगे तो मैं आपको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। ऐसे कहकर मगरमच्छ ने अपने मुंह खोलकर हीरों का एक सुंदर हार निकाला और तुरंत उसको दिया। पंडित जी ने हीरों का हार देखा, लालच पैदा हो गई, उसने उसको स्वीकार किया और घड़ियाल को कथा सुनाने लगा। ये भी भूल गया कि मुझे मंत्री जी के पास जाना है, उनके घर पर जाना है। और फिर उसने रेगुलर उस मगरमच्छ को कथा सुनाना चालू की और मगरमच्छ उसको कभी सोने का, कभी हीरों का, कभी मोती का, ऐसे अलग अलग उपहार इनाम देने लगा। एक दिन जब पंडित जी नदी में नाव में बैठकर के जा रहे थे और उसको कथा सुना रहे थे घड़ियाल को, तो चलाने वाले नाविक ने जोर जोर से हंसना चालू किया। पंडित जी ने उसको कहा कि नाविक तुम क्यों हंस रहे हो? तो नाविक ने कहा कि मुझे आपको देखकर बड़ा अचरज लगता है कि आपने इतना जीवन के अंदर परिश्रम करके, मेहनत करके, इतना आपने पंडित बने आप, और इतना अध्ययन किया, लोगों का कल्याण कर रहे हो, और आज आप एक मगरमच्छ के लिए इतना समय गंवा रहे हो, क्या ये सब ज्ञान आपने इनको देने के लिए प्राप्त किया है? तब पंडित जी को अपनी गलती महसूस हुई और फिर उसने मगरमच्छ को वो कथा सुनाना बंद करके मंत्री के पास कथा सुनाने के लिए फिर से जाने लगे। कहानी से ये बोध प्राप्त होता है कि लोभ वृत्ति हमारे ज्ञान की गरिमा को समाप्त कर देती है, हमारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। इसलिए कभी भी हम कोई लोभ में, लालच में न आए। और ज्ञानी को ये बहुत जरूरी है कि वो हमेशा अनासक्त होकर के रहे। ओम शांति।